अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। खड़ा कर लिया, दिमाग लगा लिया, चल गया भैया। ये ना तो कुट्टी दी ना मार कोई पिलाट दियो, मैंने निजी पैसा को पिलाट लियो। तीन बच्चा उनके, तीन का 12 हुई गया तो कहाँ की जगह ली जाऊँ उनके। आपके सरपंच साहब से आपने चर्चा नहीं करी? सरपंच साहब का दस्तक कर क्यों तो न्यू क्या भाभी तुम्हारा पिलाट है, ये मैं बटे का जा दूँ आके। हाँ हाँ, रहने तो नहीं देने। कौन नहीं देने दे? अब कोई देने दे, गाँव का लोग डरा है उनके। सरपंच साहब का डरा है? हाँ हाँ, जामगोद की हूँ कमला भाई। कमला बताए, आप कलेक्टर ऑफिस पहुँचे हैं, कौन से गांव से पहुँचे हैं, कितने लोग पहुँचे हैं आप यहाँ पे और क्या समस्या लेके पहुँचे हैं? हम जामगोद से पहुँचे हैं सर, और ये अभी जामगोद से ये आए हैं, क्या नाम उनका? हाँ सरपंच साहब। ये इतने साल से तो कुछ नहीं कर रहे थे और ये अब करने लगे हैं, तो इनका अब हमको करने नहीं दे रहे, ना तो जगह दे रहे हमको, ना लेटरिन बाथरूम की जगह, और ना तो हमारे फ्लैट की जगह, कुछ भी नहीं दे रहे। वो जो मिलता है वो भी प्राइवेट खरीद के रख लेते। तो अब बताओ हम रहे कहाँ? कौन लोग करने नहीं दे रहे? वो नाम क्या है? रईस खान, मोहित, मोहित, मोहित शर्मा। आप बताओ सरपंच साहब को करने नहीं दे रहे? नहीं करने दे रहे, इतने साल से तो कुछ नहीं किया और आप करने लगे हैं, तो इनको भी नहीं करने दे रहे। कलेक्टर साहब से सब मिलने लोग आए? हाँ सभी आए हैं, सारी लेडीज होने गई थी, तो उन्होंने बोला आप करेंगे। अभी करेंगे कि नहीं करेंगे हमको नहीं पता, पर होना चाहिए। कितने लोगों को अभी तक आवास का योजना? ये हो गया अभी तक हम 400-500 जने हैंगे। अच्छा, किसी को भी आवास योजना नहीं हुई? आधे को होता है और आधे को नहीं होता है। जहाँ 50 जने को देते हैं वहाँ 5 जने को देते हैं। ये तो हम कहाँ से करें, हम कहाँ देंगे? ये बताओ आप जगह कहाँ जाएंगे, हम लोग कहाँ जाएंगे? मेरा नाम गुंसाली किटोदिया जामगोद। इस विषय को लेकर आप इतनी भारी संख्या में कलेक्टर कार्यालय पहुँचे? गाँव में अच्छी सुख सुविधाएं हो, गाँव के सब भाई परिवार के सब मिलजुल के रहे। अगर सरपंच, महिला सरपंच अगर वो अच्छा कार्य करती है तो उसके कार्य में सहयोग दीजिएगा। क्या परेशानी आ रही है? जो परेशानी है कि ये सब जो सब कुछ ऐसे लोग हैं जो महिला सरपंच को काम करने से रोक कर रहे हैं। किस तरह का काम करने से रोक? अब जैसे गरीब है, कोई विधवा महिला है, उनको अगर कोई प्लाट दे रहा है तो उसमें उसको किसी को क्या आपत्ति? रहने की जगह कम है, हर जहाँ पे महिलाएं भी परेशान है। तो अच्छे काम के लिए आपको चुना है तो अच्छा काम करने दीजिए किसी क्या को। मांगे, क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं गांव में शांति बनी रहे, सब महिलाएं सुखी रहे और आवास योजना को लागू की जाए, और जो गरीब है, जो महिला विधवा महिला, उनको प्लाट वितरित किए जाए, अतिक्रमण है जो वो हटाए जाए। हम जामगोद से आए, ग्राम जामगोद। मेरा नाम विक्रम सिंह केलवा। साहब अभी आप कलेक्टर ऑफिस पहुँचे हैं, कहाँ से पहुँचे हैं और क्या कुछ समस्या को लेकर कलेक्टर साहब से? मैं जनप्रतिनिधि हूँ जामगोद से। तो यहाँ आके आए हमारे गांव की जो महिलाएं हैं इनको आवास की समस्या है। 10-12 साल से क्षेत्र आवास में घोषित नहीं हुआ है और वहाँ बहुत सारी जमीन अवैध कब्जे हैं वहाँ पर। तो लोग अगर कहीं कुछ मकान निर्माण करने जाते तो लोग डराते धमकाते और आवास क्षेत्र को आवास घोषित नहीं होने दे रहे हैं। तो हमारी गांव को लेके मांग है कि भाई आवासीय क्षेत्र बढ़ाया जाए और लोगों को, गरीब लोगों को प्लाट आवंटित किए जाए। आपने अभी भी मंदिर की भी चर्चा करी? हाँ, भैरव महाराज के मंदिर का विषय है, तो वहाँ भी कुछ असामाजिक तत्व परेशान कर रहे हैं, तो वो तो फिर जांच होगी तो सब सत्यता सामने आएगी। तो पंचायत में अभी इसका, और हमारे पंचायत में अभी स्कूल के अंदर टीवी चोरी हो गई है, और इसके पहले अभी पंचायत परिसर में कांच फोड़ दिए गए हैं। ये असामाजिक तत्वों के लोगों का ये माहौल खराब किया जा रहा है गाँव का, और डरा धमका के और ब्लैकमेल का काम किया जा रहा है। अभी अभी चर्चा हुई, क्या कुछ बोला था? हाँ साहब ने बोला ठीक है, हम जांच करवाएंगे और निष्पक्ष सही कार्रवाई होगी। आपका परिचय? कपिल राठौर जामगोद, सरपंच प्रतिनिधि।